Patent is an exclusive right. Patent is an exclusive right. Patent is an exclusive right granted by government for invention which may be a product, जो एक product हो सकता है या process हो सकता है, which may be a product or process that provides, और ये जो product है, ये जो process है, वो एक नया तरीका हमें बताता हो किसी काम को करने के लिए, ठीक है, यानी इस product, इस process का industrial purpose होना चाहिए, that provides in general a new way of doing something. Or it provides technical solution to a problem. ठीक है, तो ये है हमारा पेटेंट. तो ये दो डेफिनेशंस आप नोट कर सकते हो. आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेटेंट क्या है उसे एकदम बेसिक वे में नोट्स के साथ समझेंगे. तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो पेटेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे. ठीक है, चलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ये हमारा सेकंड लेक्चर है. पेटेंट क्या है, देखो हमने ये समझा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जिन एक्सक्लूसिव राइट्स को दिया जाता है टू द क्रिएटर, उन एक्सक्लूसिव राइट्स को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं. अच्छा, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं ये डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं. तो ये पेटेंट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ IPR, ये भी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से एक है. तो सबसे पहले आप लिखोगे पेटेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इस वीडियो में हम पेटेंट के मतलब को समझेंगे नोट्स के साथ. हम ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ किन किन फील्ड में पेटेंट ग्रांट किया जाता है और क्यों पेटेंट देना नेसेसरी है क्रिएटर को, इन्वेंटर को. तो पेटेंट बेसिकली एक राइट है, इट इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट. कौन देता है, गवर्नमेंट देता है टू द इन्वेंटर को या क्रिएटर को, टू एक्सक्लूड अदर्स, ताकि वो जो इन्वेंटर है, वो जो क्रिएटर है, वो दूसरे पर्सन्स को एक्सक्लूड कर सके फ्रॉम इमिटेटिंग का मतलब होता है कि अदर पर्सन उसके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट ना बना सके, उसके प्रोडक्ट का कॉपी ना कर सके, मैन्युफैक्चर ना कर पाए, यूज़ ना कर पाएँ, उसके इन्वेंशन को सेल ना कर पाएँ फॉर कमर्शियल पर्पस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं क्रिएटर या इन्वेंटर के फेवर में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए. उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बीच जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, वो किसे बिलोंग करेंगे, क्रिएटर को बिलोंग करेंगे, इन्वेंटर को बिलोंग करेंगे. ठीक है, तो पेटेंट क्या है, पेटेंट इज अ राइट विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द क्रिएटर या इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स
फॉर्म. पहला इमिटेटिंग. इमिटेटिंग का मतलब होता है कॉपिंग. तो एक ऐसा राइट जो ग्रांट करता है कौन? गवर्नमेंट, जो कि एक्सक्लूसिवली बिलोंग करता है किसको? क्रिएटर को या इन्वेंटर को. इन राइट्स का यूज करके जो क्रिएटर है, जो इन्वेंटर है, वो दूसरे पर्सन को एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम इमिटेटिंग. दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग इन्वेंशन. फॉर कमर्शियल पर्पज, फॉर एनी कमर्शियल पर्पज. For a certain period of time. तो ये है आपका पेटेंट. चलिए अब देखो पेटेंट किन किन एरियाज ऑफ वर्क में दिया जाता है. तो पेटेंट बेसिकली इनोवेशन, इनोवेशन कोई प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट, किसी कंसेप्ट के ऊपर दिया जाता है और किसी प्रोसेस के ऊपर दिया जाता है. ठीक है, तो पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट इन दीज एरिया ऑफ वर्क. आप लिख सकते हो पेटेंट्स आर ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट इन दीज एरिया ऑफ वर्क, इन दीज एरियाज ऑफ वर्क. पहला कहता है इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन में पेटेंट दिया जाता है. कोई इनोवेशन, किसी प्रोडक्ट को लेकर के, कोई प्रोसेस, कोई कंसेप्ट. नाउ ये जो प्रोडक्ट है, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है तो उसमें पेटेंट आपको मिल सकता है, या कोई प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग, आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो उस इम्प्रूवमेंट को लेकर के आपको पेटेंट मिल सकता है. तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट. तो पेटेंट इज मेनली ग्रांटेड इन इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड कंसेप्ट. अब देखो इन्वेंशन का मतलब क्या है. इन्वेंशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ अ ब्रांड न्यू प्रोडक्ट और डिवाइस. जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट या किसी ऐसे डिवाइस को बनाते हो जो कि न्यू होता है, जो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था, तो वो इन्वेंशन कहलाता है. नाउ इनोवेशन का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, आपने उसमें कुछ चेंजेस किया, कुछ इम्प्रूवमेंट किया, किसी नए आइडियाज, किसी नए तरीके का इस्तेमाल करके, तो वो इनोवेशन कहलाएगा. तो इन्वेंशन, इनोवेशन, प्रोडक्ट, कंसेप्ट, प्रोसेस, इन एरियाज में पेटेंट ग्रांट किया जाता है. ठीक है, जैसे मान लो कि जो एरोप्लेन है उसका पेटेंट किसे मिला था? राइट ब्रदर्स को मिला था. जो लाइट बल्ब है उसका पेटेंट किसे मिला था? थॉमस एडिशन को मिला था. जो टेलीफोन है उसका पेटेंट किसे मिला था? ग्राहम बेल को मिला था. ठीक है, तो ये है आपका पेटेंट. What is patent? It is a form of IPR, intellectual property rights, which is granted by government on invention, innovation, product, process and on concept. ठीक है, okay. Patent एक exclusive rights है granted for invention, which may be a product or process. तो patent एक exclusive rights है जो कौन देता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. किसको? इन्वेंटर को. किस पे? किसी प्रोडक्ट पे, किसी प्रोसेस पे. दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, जो हमें किसी चीज को किसी नए तरीके से करने का एक नया वे देता हो, या किसी प्रॉब्लम के टेक्निकल सॉल्यूशन के तौर पे काम आता हो वो प्रोडक्ट, वो प्रोसेस. तो पेटेंट मे बी गिवन बाई गवर्नमेंट. ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि
the patent is a exclusive rights. Patent is a exclusive right. Patent is an exclusive right. Patent is an exclusive right granted by government for invention which may be a product जो एक product हो सकता है या process हो सकता है which may be a product or process that provides और ये जो product है ये जो process है वो एक नया तरीका हमें बताता हो किसी काम को करने के लिए ठीक है यानी इस प्रोडक्ट इस प्रोसेस का इंडस्ट्रियल पर्पज होना चाहिए दैट प्रोवाइड्स इन जनरल अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग और इट प्रोवाइड्स technical solution to a problem. ठीक है तो ये है हमारा patent. तो ये दो definitions आप note कर सकते हो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो patent है वो एक monopoly right है जो कि प्रोवाइड किया जाता है इन्वेंटर को क्रिएटर को जिसने किसी यूजफुल आर्टिकल का इन्वेंशन किया है या कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल था उसमें किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया है या जिस पर्सन ने एंटायरली न्यू प्रोसेस को डेवलप किया है तो इन सभी कैटेगरीज में हम उसे पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं तो लिख लो पेटेंट इज अ मोनोपोली राइट Patent is a monopoly right. Granted to a person who has invented a new and useful article or any improvement in existing article or developed a complete new process. ठीक है तो पेटेंट क्या है ये एक मोनोपोली राइट है जो कि दिया जाता है एक पर्सन को जिसने किसी यूजफुल आर्टिकल को इन्वेंट किया है या किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल में किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट किया है या किसी न्यू प्रोसेस को कंप्लीटली डेवलप किया है अब देखो पेटेंट किसी आइडिया और किसी प्रिंसिपल पर नहीं दिया जाता है बट इट इज ग्रांटेड फॉर सम आर्टिकल और प्रोसेस ऑफ मेकिंग सम आर्टिकल तो अगर आप किसी आर्टिकल को डेवलप करते हो या आपने जिस आर्टिकल को डेवलप किया एक नए प्रोसेस के थ्रू डेवलप किया तो आप उस प्रोसेस पर भी पेटेंट ले सकते हो जैसे पेटेंट फॉर मेकिंग कोरोना वैक्सीन was given to Serum Institute of India. ठीक है तो ये एग्जाम्पल हो गया Now, why patent is necessary? क्यों गवर्नमेंट को नए नए inventions, innovations, ideas के ऊपर patent नहीं grant होता है लेकिन जब आप उन ideas को reality में convert करते हो और किसी article को बनाते हो तो वहाँ आप patent ले सकते हो तो गवर्नमेंट पेटेंट प्रोवाइड करता है तो गवर्नमेंट का जो पेटेंट देने के पीछे का
क्या क्या रीजंस हैं, आइए समझते हैं। पहला, टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि हम उसे पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इट इंड्यूसेस एन इन्वेंटर टू डिस्क्लोज हिज इन्वेंशन। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जब पेटेंट अपने इन्वेंशन का पूरी तरह से बेनिफिट्स ले लेता है, तो उस पीरियड के एक्सपायरी होने के बाद जो इन्वेंशन है वो बिलोंग करेगा पब्लिक डोमेन में, ठीक है, जिससे उसको रिकॉग्निशन मिलेगा। तो ये उसे एनकरेज करता है कि वो अपने इन्वेंशन को डिस्क्लोज करे, ठीक है। एनकरेजेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनकरेजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंशन। तो इन्वेंशन के बेसिस पे नए नए इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकते हैं। स्टिमुलेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट अफेक्ट्स इकोनॉमी पॉजिटिवली। तो नए नए इन्वेंशंस क्या करेंगे, हमारे देश में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाएंगे, जिसके वजह से हमारे इकोनॉमी में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द रीजंस व्हाई गवर्नमेंट ग्रांट्स पेटेंट टू द पेटेंट होल्डर्स, ठीक है। ये था पूरा पेटेंट के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।